पहले से मैंने मैप पे चेक कर लिया है कि पहले कौन सी करीब से वाली डेस्टिनेशन है, तो करीब Hi and assalamu alaikum. उम्मीद सब अच्छे से होंगे. आज का सीन ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं 12 अपोस्टल्स और लड़के साथ हैं. आज मौसम ऐसा था कि सनी वेदर की प्रेडिक्शन थी बट इस वक्त फोगी सी वेदर हुआ है, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है. लेकिन लड़कों की अगर रात को निकले तो 3-4 बजे के अराउंड, तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन होता है. यहाँ पे रुके हैं आइसक्रीम लेने. फ्रेश वगैरह होके तो फिर देखते हैं कहाँ जाना है, लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा ब्रेकफास्ट हो जाए. आप इस सीन ऐसा है कि हम इस वक्त पहुंच गए हैं 12 होस्टल्स और यहाँ पे अभी कॉफी वॉक की ड्राइवर गाड़ी पार्क पीछे की है, तो वेदर अच्छा है आज का और उसके अलावा सनी वेदर है तो गुड सीन है और कोविड की रिस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म हो गई हैं. आपके साथ 12 होस्टल्स की हिस्ट्री शेयर करते थे. 1978 में एक इंग्लिश मैन आया था ऑस्ट्रेलिया में, जिसने जो मेलबर्न से एडिलेड जा रहा था, तो उसने रास्ते में डिस्कवर किया. एट द मोमेंट जब उसने इसको डिस्कवर किया था तो उस वक्त 12 होस्टल्स थे, लेकिन आज ये 8 पोस्टर्स रह गए ड्यू टू वेदर. तो ये शोन भाई हैं, ये साथ आए हुए हैं और ये आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताएंगे. 12 अपोस्टल्स जो हैं, जीसस के 12 अपोस्टल्स थे, वो सब उनके साथ होते थे, उनके डिसाइपल्स थे, तो प्रॉब्ली इस जगह का नाम उसी पे बेस्ड किया है. 12 अपोस्टल्स जीसस के जो शागिर्द थे, जो उनके साथ हुआ करते थे, सब शहीद थे, सब शहीद हुए थे. रह चुके हुए हैं, तो जो भी टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया में या मेलबर्न में आता है स्पेशली इस जगह ज़रूर आता है. तो बट मैं काफ़ी जगह फिर हूँ मेलबर्न में, लेकिन मैं आज यहाँ पे आया क्योंकि जब भी कोई प्लान वगैरह बनता था तो कभी कोई बारिश हो जाए नहीं है, कभी लॉकडाउन लग गया ना, तो ऐसे सीन होता था, इसकी वजह से नहीं आ सके. तो उसमें दो बॉयज साथ हैं और इधर आए हैं, वेदर भी शायद अभी तक, और इसके अलावा 7-8 जगह और हैं. इस वक्त हम थंडर केव में आ गए हैं और यहाँ पर 3 चीज़ें कवर करेंगे. उसमें एक थंडर केव है, शेरब्रुक रिवर है और ब्रोकन हैंड है. उसके आगे करें और आगे जा रहे हैं, लेकिन आगे भी बहुत प्यारा आ रहा है. आइए चलते हैं और सनब्लॉक वगैरह लगा ली, क्योंकि आज सनबर्न होने के काफ़ी खतरात हैं और ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली धूप बहुत खतरनाक निकलती है. तो लड़के भी रेडी हैं, तो अगर यहाँ पे अगर केव वाटरफॉल हुआ तो बीच में नहाएंगे भी. लड़के बहुत एक्साइटेड है क्योंकि काफी दिनों बाद नहा रहे हैं.
फील है कि अब इंसान चला गया तो बचने के चांसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। पानी बहुत क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे और ये सीन एंजॉय करें। Wanna cry. Postal के नीचे वाले लेवल पे और आगे जाके आपको सीन दिखाते हैं आगे क्या सीन है, लेकिन अच्छा सीन है जो भी है।